गाय छोड़ने वाले हम ही लोग हैं, लेकिन लिहाजा योगी और मोदी को हम लोग कतई नहीं छोड़ेंगे। चाहे जो कुछ सारी खेती चर गई है, सब कुछ चर गया है, लेकिन योगी और मोदी को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं कोई कीमत में। नहीं था सपा के सरकार में, नहीं था जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से गाय वाली समस्या आई। जो आवास मिले मुख्यमंत्री वो नहीं मिले, प्रधानमंत्री मिले हैं, राज्य सरकार का यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ, एक भी काम नहीं गिना सकते। और 5 किलो राशन में सबका खूब बनाए रहे। नमस्कार, द मुक नायक में आप सभी का स्वागत है और मैं पूनम मसी। चुनावी यात्रा में हम इस वक्त लखीमपुर खीरी के एक गांव में मौजूद है जो निघासन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, अदलाबाद ये गांव है। इस गांव में जाएंगे, लोगों की प्रतिक्रिया को जानेंगे कि क्या है 5 साल की सरकार के बारे में उनका क्या कहना है, क्या वो खुश हैं, क्या वो दोबारा योगी की सरकार को चाह रहे हैं या किसी तरह का बदलाव चल रहा है। तो चलिए हम चलते हैं इस गाँव में और जानेंगे लोगों की समस्याओं को। क्या नाम है आपका? हरद्वारी लाल गुप्ता। हरद्वारी लाल गुप्ता, कैसी रही 5 साल के योगी जी की सरकार? सरकार अच्छी रही, निकल हम लोग जानवरों से थोड़ा परेशान हो गए। योगी जी का चाह रहा है जानवर के कुछ 5 किलो गल्ला और ये बंद कर दें, ये जानवरों के यहाँ सुविधा हो जाए, काश्तकार इसी से परेशान है। आप कह रहे हैं कि जो राशन मिल रहा है वो बंद कर दें? हाँ, वो भले ही बंद कर दें, फ्री राशन न दें, निकल उसके अवजी गौशाला बनवा देते हर पंचायत में और गऊ जो है वो अपन सुरक्षित रहा और काश्तकार भी सुरक्षित रहा। तो गौ रक्षा पे तो बात ही होती है। हाँ, गाय तो छोड़ने वाले हम ही लोग हैं, गाय छोड़ने वाले हम ही लोग हैं, लेकिन लिहाजा योगी और मोदी को हम लोग कतई नहीं छोड़ेंगे। चाहे जो कुछ सारी खेती चर गई है, सब कुछ चर गया है, लेकिन योगी और मोदी को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं कोई कीमत में। देश लिया किया, किस चीज नहीं लिया किया, सारे चोरियाँ बंद हो गई, क्या क्या नहीं बंद हो, भैंसा खोल ले जाते हैं, घोड़म बांधे जाते रहे, सब कुछ ये हुआ है। और क्या क्या नहीं दिया है उसने, सब अनाज देता है, खाने को देता है, हर चीज़ देता है, पैसा खाते में आते हैं, हर चीज़ आती है, ऐसा नहीं है जो नहीं आता है। निखिल, अब क्या बताऊँ, हम लोगों से इसी बात का बड़ा है वो है, क्या क्या नहीं आता है, हर चीज़ हमारे लोगों के लिए सुविधा है, सब चीज़। निखिल, कुछ लोग ऐसे हैं जो गुंडेगर्दी नहीं कर पाते हैं तो उसको तकलीफ है, इस बात से हम लोगों परहेज है। आपका क्या कहना है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है? गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो रही है, बिल्कुल खत्म हो गई, 4 आना रह गई, वो खत्म हो जाएगा अगर दोबारा जो योगी मोदी आ जाएगा। ठीक ठीक, आपके यहाँ पर लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी उसके बारे में क्या करेंगे? वो घटना करवाई गई, वो वही लोग किया जो वही लोग वहाँ के थे, यहाँ के नहीं करवाए। यहाँ तो मेला हरदम लगता था, हरदम मेला लगता था, दंगा होते थे, उसने स्वयं खुद करवाया है उन्हीं लोगों ने जो काश्तकार बन के आया है। वो काश्तकार नहीं, वो डाकू थे उस समय पर, जो हिया वाले ने बच के 4 आदमी हिया वाले ने मार दिया, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। और अजय मिश्री टेनी के ऊपर उधाव लगाया गया है, वो मारने वाला आदमी नहीं था, ये था सीरियल आदमी है, वो मारने वाला आदमी नहीं था। तो आशीष मिश्रा पे जो इल्जाम लगा आपका, ये गलत लगा है, ये सब गलत लगा है। SIT की रिपोर्ट के हिसाब से तो अब वो रिपोर्ट, हम तो वही नहीं रहे, हम लोग दंगा देखे जाते रहे वहाँ पर, वहाँ पर हम लोग तो दूरी थे, दंगा देख रहे थे, वहाँ दंगे में वो भी था, दंगल। हाँ, वो जो कुश्ती लड़ाई होती थी, दंगल आप लोग देखने गए थे? देखने गए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं, ये तो ये रास्ते में ये सब हुआ है, कोई आए रह रहा है विधायक नौ MP, उनके वजह से ये सब हुआ है। तो जो वहाँ पर लोग मारे गए हैं, गाड़ियाँ जिन पर चढ़ाई गई एकदम दिन दिहाड़े ऐसा, तो उस पर क्या करेंगे कि वो? देखिए, वो गाड़ियाँ चढ़ाई गई, वो लोग जा रहे रहे रास्ते में, ये ऊपर वाला जा रहे, उस जगह पर हम तो नहीं थे, हम नहीं बता पाएंगे। आप कह रहे ना गुंडा राज खत्म हो गया, दिन दिहाड़े ऐसा हो गया, इसलिए देखिए वो जो रही वहाँ की बात, हम लोग जैसे हम लोग तो चलिए ठीक है उस पर आइए। तो आपने कहा कि ठीक है आप थे नहीं, तो इस पर बात नहीं करें, महिला सुरक्षा पे क्या कहेंगे? अच्छी है महिला सुरक्षा पर, बहुत अच्छी बात चल रही है, बहुत अच्छी बात चल रही है। अभी बुंदेलखंड में एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले एक लड़की से जनवरी के महीने में रेप करके उसको मार दिया गया। उसको हम यहाँ रह रहे हैं खीरी जिले में अदलाबाद में, हम लोग उसके बाबत में नहीं जान सकते हैं, उसके बाबत में तो नहीं बता पाएंगे। पास में यहाँ भी रेप हुआ है, आप कह रहे कैसे महिला सुरक्षित है? तो महिला सुरक्षित जैसे हमारे यहाँ है जो एरिया है वो हम महिला सुरक्षित है, तो अपनी एरिया की जाइए, हम काश्तकार आदमी हैं, अब हम खेत में रहे कि हम दुनियादारी तो देख नहीं रहे। निखिल ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी जो है समस्याएं वो सब वही सही रही है, सारी समस्याएं सही रही हैं।
हम महिला सुरक्षा मतलब आपके लिए उतना मैटर नहीं करती? नहीं, महिला सुरक्षा हमारे यहाँ है, कोई वो तकलीफ महिलाओं के कोई तकलीफ तो नहीं। बाकी जगह में जो हो रही है, बाकी जगह में आप हम तो भैया जाए नहीं रहे। आपने कहा कि योगी और मोदी सबसे अच्छे हैं, हमारे लिए अच्छे हैं तो हम ना ये कह रहे हैं योगी मोदी सबसे अच्छे हैं। गाय तो हम कह चुके हैं पहले, खेत पूरे चर्चा से सब कुछ है, लेकिन हम योगी रहेंगे हम लोग, जो ये बात है योगी मोदी के रहेंगे। वोट मोदी को ही देंगे, वोट मोदी को देंगे, योगी को ही देंगे, कुछ भी हो जाए। हाँ कुछ भी हो, महिला सुरक्षा में बात नहीं करेंगे? लेकिन नहीं, महिला सुरक्षा बहुत है हमारे यहाँ, बहुत है, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। देखो योगी सरकार तो बहुत अच्छी है ठीक, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं, जैसे गाय छुट्टा घूम रही, सांड छुट्टा घूम रहे, सारे सख्त आदेश किए गए लेकिन गायों को बांधा तक अभी नहीं गया है। आप हमारे यहाँ चले, अभी हम आपको दिखा दें, हमारे यहाँ कम से कम 100 से 50 गाय गांव में टहल रही, लेकिन इसका कोई इसकी को गौ रक्षा पे जो इतनी बात होती है, हत्या तक मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि लिंचिंग वगैरह भी हुई है गौ रक्षा को लेकर। जी जी, आप लोग कह रहे हैं गाय जो आप लोग को परेशान कर रही है गौ रक्षा के लिए, तो हमारे यहाँ और योगी जी मोदी जी से कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो समस्या है वो सिर्फ गायों की है। गायों के लिए है, और छुट्टा सांड घूम रहे हैं, आदमी अपने खेत में रहता है, घर बचा नहीं पाता है, बच्चे वो नाराज होते हैं, सिर्फ समस्या गायों की है। महंगाई के बारे में क्या कहें? महंगाई तो सभी सरकारों में आती है, ऐसा क्या है कि महंगाई नहीं आती? महंगाई तो हर ऐसी कोई सरकार ही नहीं है, जब जब सरकार बनती है डीजल महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, इलेक्शन के टाइम डाउन कर देते हैं, जनता खुश हो जाती है, बाकी जो है और कोई समस्या नहीं। समस्या सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में केवल एक समस्या है, बस 80 पैसा में डीजल था, 2 रुपया क्विंटल गन्ना बिकाता था तब 80 पैसा में डीजल था, और आज 300 में है गन्ना तब वो 100 रुपया में है, कोई फर्क नहीं, कोई है महंगाई है कोई नहीं। वही अनाज गेहूं जो बोया जाता था तो 1 रुपया पसेरी बेचते हैं, और आप 50 रुपया पसेरी बेच रहे, तो किस चीज की महंगाई है? सुनिए, हम तो ये बात कह रहे हैं, बाबा जी से ये कह रहे हैं, बाबा जी बहुत अच्छे लेकिन बाबा जी का सुधार नहीं अच्छा है। सुधार कैसा सुधार? सुधार जब आप कार्रवाई कर रहे हो कि गाय गौशाला में जाए, लेकिन गौशाला में कागजी कार्रवाई पूरी हो गई कि गायें सब जो है गौशाला में हैं, और गायें हमारे घर में घुस रही हैं, हमारे खेत में हैं, हमारे खेत में घुस रही हैं, चारों तरफ से रुंधाई हो रही है, और गायें कह रहे हैं कि रात में सोने खेत में जाते हैं कि नहीं, हम तो सोते हैं, हम तो पूरी रात सोते हैं खेत में, गेहूँ बचाते हैं, पूरा दिन भी बचाते हैं, फिर भी चर जाता है, तो बस तकलीफ खाली गायन वाली है और क्या कोई तकलीफ है बताइए, इसके पीछे की वजह बताइए कि क्यों इतनी परेशानी है, पहले ऐसा नहीं था, सपा के सरकार में नहीं था, सपा की सरकार में ऐसा नहीं था, जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से गायों वाली समस्या आई है। गायों वाली समस्या क्यों, कोई कारण बताइए इसके पीछे? अब ये तो योगी जी बता सकते हैं ना? नहीं, बता तो रहे हैं कि गायों को जो छुट्टा छोड़ दिया गया, योगी जी ने तो कहा नहीं कि छुट्टा छोड़ दीजिए, छोड़े तो हम ही लोग काश्तकार लोग, लेकिन कहा कि जो है उसको गौशाला में बनाएंगे, गौशाला बने भी हैं लेकिन कोई गाय गौशाला में गाय नहीं है। नहीं, गौशाला यहाँ तो कोई नहीं बने। हाँ, हमारे यहाँ तो कोई गौशाला नहीं बने, कहीं बने होंगे लेकिन अदलाबाद झंडी में कहीं गौशाला तो बने नहीं है, बस यहाँ खाली गाय वाली समस्या है और कोई समस्या नहीं है। परिवर्तन का लहर है, सुन लीजिए, परिवर्तन होगा। सपा की सरकार आई, सपा सरकार आई, सपा सरकार आई, ये कह रहे कि परिवर्तन नहीं हो सकता, नहीं तो हम वो नहीं कहेंगे ना, वो जा है नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे, ये यादव है तो थोड़ा यादव, लेकिन परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, बात यादव की नहीं, बात समस्या की है, बात यादव की नहीं, परिवर्तन होगा, बात यादव की नहीं है, जो समस्या है उसको आप बताइए ना। नहीं, समस्या देखिए, इस सरकार में बेरोजगारी मेन मुद्दा रहा है, महंगाई और बेरोजगारी मेन मुद्दा, महंगाई तो कोई बड़ा मुद्दा है नहीं, ये बताइए एक चीज बताइए, कांग्रेस की सरकार थी तो 70-72 रुपये में पेट्रोल जब हुआ था और डीजल हुआ था, तो एक मिनट, हाँ, जब 70 रुपये में पेट्रोल और डीजल हुआ था तब यानी कांग्रेस को हटाया गया था, महंगाई की वजह से कांग्रेस हटी, फिर बीजेपी को लाया गया, बीजेपी में 120 रुपये तक यानी पेट्रोल बिका, 100 रुपये में डीजल बिका, बेरोजगारी उसी तरह, जितने लड़के जो पढ़ लिख करके डिग्रियां लेकर बैठे हैं 5 साल में कोई रोजगार नहीं निकला,
सरकार कह रही 4.5 लाख रोजगार। वो तो केवल बेवकूफ बनाना है, वो केवल बेवकूफ बनाना है। कोई भर्ती हुई आज तक बताइए 5 साल में? नहीं नहीं, क्यों भर्ती? अरे भर्ती क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन आदमी? अरे नहीं भर्ती क्या, चार ही भर्ती नहीं, नहीं नहीं भर्ती हुआ। हम तो थोड़ा अनपढ़ आदमी है ना, तो हम ही नहीं बता सकते भर्ती हुई। देखिए नौकरियों जितनी जरूरत नौकरी की है उतनी पर्याप्त नौकरी है, ठीक। नौकरी जितनी है ऐसी तो जगह नहीं कि कुछ खाली जगह पड़ी है भाई। नौकरी हर आदमी कर रहा है, हर आदमी कोई डीएम एडीएम तो बन नहीं जाएगा, लेकिन जो समस्या है उसको आप सुधारिए। आप तो कहिए रोजगार बड़ी समस्या नहीं है? नहीं, रोजगार बड़ी समस्या है, लेकिन जो रोजगार के लायक है उन्हीं को तो दिया जाएगा। जो लायक है नहीं है, जो किसान है वो किसानी करेगा। किसान किसान आदमी परेशान है, ये आप जान लीजिए। गायों से परेशान, डीजल महंगा हुआ, लेकिन ये तो नहीं, डीजल महंगा हुआ, डीजल हर सरकार में महंगा होता, ऐसा नहीं है। डीजल महंगा होता, महंगा हुआ है। अगर कांग्रेस की सरकार में महंगा हुआ तो कांग्रेस क्यों गई पीछे? हराई तो उसी पर, हार तो उसकी वही इसी वही है। अनाज जो है, अनाज जो है, अब बीजेपी जब आई सभी लोगों ने बीजेपी का सपोर्ट किया, वोट किया। आप भी लोग ने भाजपा को वोट किया होगा? हाँ, हम लोगों ने वोट दिया आपके यहाँ पर। हाँ, भाजपा को लाया कि अच्छी काम करेगी। तो लेकिन साल में क्या काम नहीं हुआ सरकार? कोई काम नहीं, कोई 5 काम कोई गिना दे हमको, बता दे कोई। अगर भाजपा को कोई 5 काम किया हो तो बता दे। हाँ, कोई बता दे। सरकार कह रही हमने विकास किया, कोई विकास नहीं हुआ। विकास ये हुआ है, विकास हुआ है। जो आवास मिले मुख्यमंत्री वो नहीं मिले, प्रधानमंत्री मिले हैं। राज्य सरकार का यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है, एक भी काम नहीं गिना सकते हैं वो। जो भी काम ये हमारे पिताजी 5 साल प्रधान रहे, प्रधानी हमने की है, वो केंद्र एक भी काम नहीं हुआ। राज्य सरकार की तो कोई योजना है नहीं। अभी जो राशन मिल रहा है, हाँ वो तो केंद्र की राशन लिए है। हाँ, हम लोग लेते हैं, लेकिन मेरा मैं नहीं लेता हूँ। मेरा कार्ड ही नहीं बना अब तक, सुन लीजिए। अरे फ्री मार्च तक, लॉकडाउन हुआ तब से फ्री मार्च तक मिलेगा, उसके बाद तो फ्री मिलेगा नहीं। सब दिन के लिए रही बात, वो तो इलेक्शन के वजह से फ्री मिल रहा है, चुनाव हो जाएगा फ्री नहीं मिलेगा। पहली बार फ्री मिल रहा है या पहले भी कभी फ्री मिला है ये बताइए? नहीं, ये तो लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है। नहीं, राशन जो फ्री राशन सरकार कह रही कि फ्री राशन मिल रहा, फ्री राशन हम दे रहे हैं। हाँ, ये पहले भी पहली बार सरकार नहीं, पहली नहीं, पहली बार पहले नहीं मिला, पहली बार इस सरकार में मिला। वो भी लॉकडाउन जब हुआ कोरोना की वजह से तो फ्री मिलने लगा, फिर इलेक्शन आ, फिर इलेक्शन आ गया, फिर इलेक्शन आएगा टिकट फ्री। हाँ, इलेक्शन पे आपका कहना इलेक्शन के बाद खत्म हो जाएगा? हाँ, मार्च के बाद नहीं मिलेगा, मार्च के बाद कोई फ्री नहीं मिलेगा। ये तो अब ये तो नहीं, 10 मार्च को हाँ 10 मार्च के बाद फ्री नहीं मिलेगा। सरकार फिर बन जाएगी तो हो सकता है फिर हम रह जाए, लेकिन फिर कहाँ लगकर रहेगी? मेन मुद्दा है तो हमारे मेन मुद्दा है यहाँ गायों की। हमारे पड़ोस में चल के देखिए, अभी आप चलिए, मैं दिखा रहा हूँ, 100 गाय खड़ी है। चलना कहाँ, ये सामने देखिए, 100 गाय खड़ी है हमारे घर में, चलकर देखिए, चले पूरा पूरा सुनिए, जितने घर में हर खेत में यहाँ सब लोग ड्यूटी लगा हुआ थे 24 घंटे, और तब वो 1 घंटा हट गए, खेत सब चली गए। अब वहाँ जाए के हम लोग दूड़िया छो ले जाए गन्ना के। मोदी जी काम देने तो, योगी जी तो यहाँ देने सबका कि गायों अपने खेत बचाओ, खेत में पौड़ो, रोजगार यही मिला। हाँ? रोजगार यही मिला, पढ़ लिख करके, पढ़ लिख करके लाठी ले लो और खेत में बचाओ, यही रोजगार। हर आदमी को रोजगार मिल गया है, खेत बचाओ, खेत में रहो, हर आदमी को रोजगार मिला। इस वजह से परिवर्तन जरूरी है, इस सरकार को हटाना है, समाजवादी पार्टी को लाना है। आप क्या कहेंगे? अरे समाजवादी आई है और कहा है, कहे का है कुछ है नहीं, बस क्या है ऐसा समाजवादी में जो? अरे बीजेपी हर आदमी, बीजेपी हर आदमी रोवाइन दी, बिल्कुल हर आदमी मतलब रो रहा है, परेशान है। हाँ, और का आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग यंग हैं, आप लोगों का क्या कहना है? हमको क्या कहना है, जो होगा तो देखा रहेगा। क्या गाय की समस्या गांव में?
हमारे यहाँ दिक्कत वही है गायों की। 5 साल से हमारा ये खेत रोया नहीं। वोट का यहाँ कोई विवाद नहीं, वोट का कोई विवाद नहीं, मतदाता है जहाँ दे इच्छा हो वहाँ दे, लेकिन जो समस्या है वो बहुत भयंकर है भाई। वोट ऐसा नहीं, बीजेपी गायों की समस्या तो हम लोग बर्बाद हो गए, किसान आदमी तो बर्बाद हो गया। बात मानी जा रही है, ये चीज खेती ना बहुत सुखी है। हाँ बहुत सुखी, जिनके पास एक विश्व खेती ना है बहुत सुखी। कहा 2000 रुपए मिलते हैं, राशन फ्री मिलता है, आम का क्या काम करने क्या जरूरत, आराम से दारू पीते थे उनका बहुत आराम, खाली जिंदगी उनकी कटौती बहुत ऐसे करते रहे। आप इधर 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 ले लीजिए, मजदूर को तो बहुत सरकार को समस्या, जनता चाहे कि उसी को बने, किसान को समस्या है, कोई समस्या नहीं है ना। कैसा रहा सरकार का 5 साल? 5 साल रहा गया, रात दिन खेतन में पड़े रहते कष्टकर, परेशान है हर गोरु सने, और 5 किलो राशन में सबका बेवकूफ़ बनाए रहे खाली। सर वो तो फ्री राशन है, फ्री है तब है बेवकूफ़ बनाए रहे ना, 5 किलो दे रहे हैं फिर अकेले के लुभाए रहे हैं, अगला काम करने लायक नहीं रह जाए लोग। तो आप जो सरकार 5 किलो फ्री राशन दे रही है, आप कह रहे हैं कि वो गलत है? गलत तो है ही, देश के लिए देश का नुकसान हो रहा है ना। 5 किलो दे रहे हैं और जमीन में सब चरा जा रहा है हमारे लोगों के, कुछ बचता नहीं है, 5 क्विंटल हमारा बीघा में नुकसान हो रहा है। गाय और जो गोरु है उसकी वजह से। हाँ तो लेकिन आप गौ रक्षा तो बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ पर, और आप कह रहे हैं कि गाय से आप लोग बहुत परेशान हैं। गौ रक्षा तो है लेकिन उनकी व्यवस्था तो योगी जी का करक चाहिए, ये हर गांव हर ग्राम समाज में गौशालाएं बनवाना चाहिए ना, उसकी रक्षा करने के लिए। आप लोगों के आसपास के क्षेत्र में कहीं कहीं नहीं है यहाँ पे? अगर आया होगा तो प्रधान खा गए होंगे या वीडियो खाए होंगे भाई, यहाँ जब है नहीं तो हम लोग तो यही कहेंगे। आपका कहना है कि यहाँ पर आसपास में कहीं कहीं नहीं है? यहाँ पे यहाँ से 7-8 किलोमीटर आगे है वहाँ चखरा, पंद्रह किलोमीटर है, तो वहाँ पर लोग ले जाकर गाय नहीं देते हैं? 200 रुपए लेते हैं। क्या कह रहे? वहाँ 200 रुपए लेते हैं। किस चीज का? गाय वहाँ जब करने जाओगे वो लेगा 200 रुपए वहाँ पे एंट्री के 200 रुपए जी। तो ऐसा कोई सरकारी प्रावधान है क्या? पता नहीं, वो वही लोग जाने जो वहाँ के भाई संरक्षक है उसके। तो जो जो गाय के नाम पे राजनीति हो रही है, आपका क्या कहना है? इस साल बदलाव है, योगी जी गए, अखिलेश आएंगे यहाँ पे। ऐसा क्या है ये अखिलेश में? क्या अखिलेश में अब बताइए, यहाँ के बच्चों का भविष्य खराब हो गया है। कैसे? लॉकडाउन जब देखे तब लॉकडाउन, अब चुनाव आ गया लॉकडाउन खत्म, अब बीमारी नहीं है क्या? बीमारी तो उतनी ही चल रही है। आप लोग का क्या कहना है कि जो कोरोना हो रहा है? कोरोना चल रहा है सर, लेकिन अब कोरोना कम हो गया, अभी 10 दिन पहले तो बहुत तगड़ा उठा था, अब चुनाव आ गया कोरोना बंद हो गया, कि ये केवल काश्तकार को जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई फीस 10 दिन के लिए स्कूल खुल गया, बच्चों की फीस जमा करना है, जमा हो जाएगी, बच्चे फिर घर पे बैठेंगे, फीस पूरी लेते हैं। हैं? क्या कह रहे भैया आप? क्या क्या बच्चों की फीस पूरी लेते हैं और पढ़ने जाते नहीं बच्चे स्कूल में। अच्छा तो प्राइवेट स्कूल में पूरी फीस ले रहे और पढ़ाई हो नहीं रही? हो नहीं रही है। तो आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत या कुछ? शिकायत कहाँ कहाँ की, कहीं सुनवाई ही नहीं है, सुनवाई ही नहीं किसी की। की जाए तो किससे की जाए, कहाँ पे की जाए? हाँ। स्कूल वाले कहते हैं कि हमसे इससे कोई मतलब नहीं, हमारा जो है साल का पूरा बजट जो है वो लेना पड़े, हमको लेंगे वो, हमको जमा करना है, आप जमा करिए, बच्चा तुम्हारा आए या ना आए इससे हमसे ऑनलाइन करते हैं। कर रहे हैं कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था? तो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकार की जानकारी नहीं है क्या? सब जानते हैं सरकार, क्यों नहीं जानती? प्राइवेट स्कूलों में 1-1 लाख रुपया हॉस्टल का पड़ रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट को जानकारी नहीं इसकी? भाई जानकारी तो इसकी है सबको, क्या हमारे विधायक जी से अगर शिकायत इसकी की जाए तो इसके ऊपर गौर नहीं करेंगे क्या? तो शिकायत तो आप लोग कह रहे थे ही नहीं कभी? अरे 50 मरतबा हम लोग हमारा लोगों का पर्सनल अगर कोई काम पड़ता है, अगर फोन किया गया बीजेपी के विधायकों के पास तो फोन नहीं उठाते हैं, बात करना तो खेत बचाई थी कि घर बचाई बताओ, एक ही चीज बचाई मिली, घर भी बचाई लिया, खेत बचाई ली। यहाँ मतलब बहुत समस्या है। हाँ, बहुत समस्या है। हाँ, यहाँ बदलाव यहाँ ही नहीं पूरा क्षेत्र में ही समस्या है। क्या बदलाव चाह रहे हैं? क्या विकास? विकास पे हम लोग, विकास तो भाजपा कर रही है, विकास कौन सा? कोई विकास दिखाई दे नहीं रहा, भाई साहब खड़े हैं, कोई भी विकास नहीं दिखाई दे रहा है, बैठे रहते हैं, विकास इनका है? क्या कहेंगे, विकास नहीं हुआ है? सरकार तो कह रही है हमने 5 साल विकास किया है पूरा। विकास तो कहीं निकली है, हैरान वाली चरीज वाली जो बात है
वह सबसे कठिन है कि हर वो ख्यातन में यहाँ बचाए नहीं मिलते, सब चर जाते, रूंधा जाते और बचाओ जाते तब हूँ सब चर जाते नहीं रह जाते। क्या कह रहे आप लोग, कुछ कह रहे थे आप? दिखा हुआ ये निघासन से चल के आप आई हैं, सड़क कितनी अच्छी बनी है, एक भी गड्ढा नहीं दिखाई दे रहा। कह रहे थे योगी जी, कह रहे थे कि मेरी सरकार आने पे एक भी गड्ढा नहीं रहेगा, और जबकि अब गड्ढा मुक्त तो छोड़िए, अब गड्ढा युक्त हो गई है सड़कें, गड्ढों से भरी हुई हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं सड़कों में, कहाँ बनवाया उन्होंने भाई? हमारे प्रधानमंत्री जी ने, केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारे यहाँ क्षेत्र के गड्ढे मुक्त हो जाएंगे। तो आप तो निघासन से यहाँ से चल के आएंगे, आपको खुद मालूम होगा गड्ढे मुक्त हैं क्या है, रोड क्या पोजीशन है। जब रोड मेन रोड की ये पोजीशन है तो ग्राम समाजों में क्या होगा, वहाँ तो ऐसे ही चल ही रहा है। तो कोई विकास आपके साथ कहाँ, विकास कहाँ, बस वही है सबका साथ सबका विकास। तो उनका एक नारा है बीजेपी वालों का, लोग कहते हैं सही कहते हैं कि छोटे से बड़ा नेता जो भी है झूठ बोलने की आदत है उसके पास, चाहे जितना बड़ा नेता है। मोदी जी आते हैं क्या नहीं लुभाते हैं, भाइयों बहनों कर करके वोट लेना है केवल उनको। मोदी जी तो 15 लाख देना, 15 लाख कह रहे हैं, फिर से बोलिए 15 लाख। मोदी जी ने 15 लाख देने को कहा था, कितने लोग पाए? कोई भी नहीं पाया। वोट दिए थे ना 15 लाख के नाम? नहीं नहीं, हम ना तब भी दिए थे ना हम अभी देंगे। बीजेपी ने वोट देंगे, हम मुलायम सिंह को देते थे, अब अखिलेश यादव को दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने विकास किया है, हाँ पीछे भी विकास किया है, सारा विकास ये 5 साल में नहीं हुआ, हाँ उसके पहले भी विकास हुआ, एम्बुलेंस चली, 100 नंबर चली, विकास तो है। नहीं, इनका एक कारण है, जैसे अखिलेश का किया हुआ कार उसका बदलाव करना, 100 नंबर चली, नाम बदल दिए उसको। अरे ऐसे करना था आपको, विकास करना था, गाड़ी बढ़ाते और गाड़ी बढ़ा देते, सैकड़ों गाड़ी बढ़ा देते, अपना नाम अलग रख देते। इंजन था, हेलीकॉप्टर चलवा दिए होते उन्होंने। इनकी सरकार में हेलीकॉप्टर भी चल सकता है। कैसे आप ये बताइए, कैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों लोग एक साथ में, जो चाहेंगे सो होगा, केंद्र राज्य द्वारा जो चाहेंगे वो हुआ नहीं क्या यूपी में? बात कराओ और ना नौकरियां, उन्होंने कोई वैकेंसी निकाली। सरकार देखिए कह रही कि हमने मतलब 4.5 लाख रोजगार दिया है, आप कह रहे नौकरी कहां, 4.5 लाख रोजगार पे नहीं दिख रहा है अगर यहां वो धरातल पे नहीं है, अरे दिखाई नहीं पड़ रहा है वो, तो कहां पर है ये बताइए सरकार। नहीं तो किसी को, हमको नहीं लगता किसी को रोजगार मिला है अभी, फिर रोजगार की क्योंकि बात अभी सबके घर में रोजगार हो। अभी लखनऊ इको गार्डन में बराबर धरना चल रहा था, किसी की भी सुनवाई नहीं वहाँ पे कोई। आप लोग भी थे? नहीं हम नहीं थे, मतलब हमारे साथी तो कुछ लोग थे, भाई बहन जो हमारे आप वो थे। गवर्नमेंट पेपर की तैयारी कर रहे हैं? हम भी किसी की तैयारी नहीं करते। आप? नहीं हम तो कर रहे हैं। कर रहे हैं तो क्या आपको क्या लग रहा है कि सर जो रोजगार की बात हो रही है वो नहीं हो रही? नहीं हमारे लिए तो नहीं हो रही, हमने बहुत बार देखा ना, 10 तारीख तक 10 जनवरी तक धरना हुआ लेकिन वहाँ से कोई वो नहीं मिला रिस्पांस, मतलब कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया, कोई नहीं मिल पाया। आगे क्या चाह रहे हैं? आगे अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तभी कुछ हो सकता है, बदलाव होगा तभी कुछ हो सकता है, और कुछ नहीं। बदलाव में किसको चाह रहे हैं? बदलाव में अखिलेश यादव ही आएगा, और तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका साफ करेंगे क्यों ऐसा, क्या अखिलेश यादव को नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी तो मतलब कुछ वैकेंसियां तो आती, हमें नहीं मिलेगी, कुछ लोगों को तो मिलेगी। आप इसी बात से खुश हैं कि अगली वैकेंसी आ जाएगी? हाँ वैकेंसी तो आएगी इस सरकार में, नहीं अगली में आएगी, हमें तो नहीं लगता कोई वैकेंसी आई है इधर। तो जो सरकार का 4.5 लाख का दावा है? नहीं हमें तो नहीं लग रहा दावा पूरा हुआ होगा, कोई करेंगे नहीं, वो केवल कह रहे हैं करेंगे कुछ नहीं। जो विकास हुआ, विकास में क्या विकास तो हुआ है सरकार का? कहाँ कौन सा विकास हुआ है, हमें नहीं लग रहा है कहाँ विकास हुआ। डीजल अभी वहाँ कहाँ सरकार हारी थी छोटू, डीजल भी कितने 100 में हो चुका था, पेट्रोल 105 में हो चुका था, फिर कुछ सस्ता हो गया इस समय, और सरकार हो जाने के बाद फिर उतने ही रेट में पहुँच जाएगा। सिलेंडर 600 का था फिर 1000 में पहुंच गया। फ्री में तो सिलेंडर दिया ना पहले? अरे तो फ्री में दिया, वो सब कट रहा है, वो कट रहा है। फ्री में राशन मिला ना आप लोगों को? अरे राशन ना दे, केवल गायें बंधा दे, जानवर बंधवा ले अपने पास। क्या कहना आप लोगों का, राशन भले ना दे लेकिन जानवर बंधवा ले।
क्योंकि हमारे वहाँ के जितने भी हैं मतलब हमारे दादा चाचा जो भी पूरी पूरी रात खेत में सोते हैं, इसमें किसी भी से पूछ लीजिए गांव में जाके पूरी पूरी रात वहीं रहते हैं वो लोग। पहले 8-10 लाख का करना होता था, अब 1 लाख का होना मुश्किल है क्योंकि वो हाँ हो जाता है, फिर लास्ट में पूरा बराबर हो जाता है चर के। क्या क्या कह रहे हैं? पशु खेत में चर रहे हैं, खेत तक यहाँ जा रहे हैं। हाँ तो कोई आदमी बता रहा है कि खेत तक जाओ ना, चढ़ रही है जल्दी जाइए। हाँ चलिए, थैंक यू।